गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि मैं अपने थंबनेल को किस ऐप से एडिट करता हूं, क्योंकि कई लोगों की जो एप्लीकेशन होते हैं वो चेंज होते हैं। कई जो यूट्यूबर्स होते हैं वो अलग अलग एप्लीकेशन से अपने थंबनेल को एडिट करते हैं, लेकिन यहां पर जो मेरा थंबनेल एडिट करने का जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी अलग है। यानी कि मैं जो एप्लीकेशन को यूज़ करता हूँ, शायद उस एप्लीकेशन को आप कभी यूज़ ना किए हो या करते हो, लेकिन इसकी गहराई तक कभी आप गए ना हो। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ मेरे थंबनेल सीक्रेट एप्लीकेशन के बारे में, कि मैं अपने जो बैकग्राउंड के जो भी बैकग्राउंड में इमेजेस होते हैं मैं उनको कैसे रिमूव करता हूँ, अपने हाथों में जो मोबाइल होता है उसको कैसे अपने हाथों में ले लेता हूँ, और मैं अपने अगल बगल कैसे मोबाइल वगैरह को ऐड कर पाता हूँ। सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, ताकि आप एक भी स्टेप ना मिस करें, तो ही आप जाकर इस फोटो एडिटिंग ऐप से अपने फोटो को अच्छे से एडिट कर पाएंगे। तो हेलो गाइस, मेरा नाम महेश और आप देख रहे हैं गीक माही। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो यहाँ पर मैं जिस एप्लीकेशन के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, उस एप्लीकेशन का नाम है Adobe का स्पार्क पोस्ट। ये जो एप्लीकेशन है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका मुझे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है, यानी कि ये महीने महीने में मुझे इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पैक देना पड़ता है, तब जाकर मैं इस एप्लीकेशन को यूज़ कर पाता हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हैवी यूज़र नहीं है, अगर आपको थंबनेल वगैरह ज़्यादा नहीं एडिट करना है, आप इसमें कैजुअल एडिटिंग करना चाहते हैं, तो ही आप इसमें आपको कहूँगा कि आप इसमें पैसे ना लगाएं। अगर आप इसमें हैवी एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप इसमें पैसे लगा सकते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि मैंने इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो मुझे ये जो प्रीमियम पैक है वो सारे दिख रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपकी नीड हो, रिक्वायरमेंट हो, तभी आप इसमें प्रीमियम पैक को लीजिए, अदरवाइज इसके फ्री वाले वर्जन से ही आप काम चला सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि मैं पहला स्टेप यहां पर करता क्या हूं। सबसे पहले अगर मुझे अपने थंबनेल को एडिट करना होता है तो मैं यहां पर प्लस के ऑप्शन पर जाता हूं। प्लस के ऑप्शन पर जाते ही मुझे कई सारे यहां पर बैकग्राउंड दिख जाते हैं। तो ये जो बैकग्राउंड है वह मैं यहां से उसको सेलेक्ट कर लेता हूं, जैसे कि मैंने इस बैकग्राउंड को यहां से सेलेक्ट कर लिया और फिर उसके बाद यहां से मैंने ऐड वन पे कर दिया। अब मैं यहां से इसके जो भी साइजेस है उसको सेलेक्ट कर लेता हूं। आप चाहें तो अपने इंस्टाग्राम के लिए फोटो एडिट कर सकते हैं, स्टोरी के लिए अलग, लैंडस्केप के लिए अलग, फेसबुक के लिए अलग, पिंटरेस्ट, काफ़ी सारे आपको यहां पर ऑप्शन दिख जाएंगे। तो मैं यहां पर यूट्यूब थंबनेल को सेलेक्ट करता हूं, फिर उसके बाद यहां पर मैं इसको छोटा करके डन कर देता हूं। डन करने के बाद यहां पर मुझे कुछ डबल टैप टू एडिट टेक्स्ट के बारे में आया है। मैं चाहूं तो यहां पर कुछ भी टेक्स्ट वगैरह को ऐड कर सकता हूं, बट यहां पर मैं अभी फिलहाल के लिए कोई भी टेक्स्ट ऐड नहीं कर रहा हूं, उसको भी मैं आपको ऐड करके बता दूंगा। तो यहाँ पर अब बारी है कि इसके जो फ्रंट में मुझे कौन सा फोटो लगाना है। तो मैं यहाँ से सिंपल सा चला जाता हूँ। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहे तो लोगो से फोटो लगा सकते हैं, आप चाहे तो इमेज से फोटो लगा सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जब तक आपकी रिक्वायरमेंट ना हो तब तक आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पैक को इसको मत लीजिएगा। तो मैं आपको यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इमेज के ऑप्शन पर चले आएँ, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर कई सारे इमेज दिख रहे होंगे, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर गैलरी के इमेज को यहाँ पर सेट करना चाहते हैं तो सेट कर दीजिए। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये मेरा फोटो जो है मैं इसको यहाँ पर सेट कर रहा हूँ। तो इस इमेज में आप अगर मैं इसके ओरिजिनल इमेज को आपको खोलकर दिखाऊं, तो इसका जो ओरिजिनल इमेज था तो वो कुछ ऐसा था, बट मैंने इसके जो बैकग्राउंड के जो इमेज थे उसको रिमूव कर दिया। वो कैसे रिमूव किया मैंने, उसके बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है ऑलरेडी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उस वीडियो को भी जाकर ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैं यहाँ से इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया है ऑलरेडी। अब यहाँ पर मुझे इस इमेज पे मुझे कुछ ऐड वगैरह करना है, तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर सिंपल सा ला देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे छोटा बड़ा जिस साइज का भी आप चाहें इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दिया हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे दो हाथ हैं, तो आप मैं चाहूँ तो अपने दोनों हाथों में मोबाइल को ला सकता हूँ। तो यहाँ से मैं फिर से इमेज पर जाकर, फिर उसके बाद गैलरी में जाकर, अब मैं यहाँ से किसी भी मोबाइल को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि मैंने अपने इस मोबाइल को सिलेक्ट किया और इस मोबाइल को सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर ऐड टू के ऑप्शन पर जाता हूँ। ये जो मेरा रियलमी का मोबाइल है मैं इसको इस हाथ पे लगा देता हूँ, और फिर उसके बाद ये जो मेरा ओप्पो का मोबाइल है मैं इसको सीधा करके इस हाथ पे रख देता हूँ। तो
तो जैसा कि आप देख पाएंगे कि ये कुछ इस तरीके से मैंने अपने दोनों हाथों में मोबाइल को भी पकड़ा लिया। अब चाहे तो आप इसके जो बैकग्राउंड के जो मैंने इमेजेस ले रखे हैं उसको चाहे तो आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो आप जो भी आपका मन करे उस इमेज को आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, चाहे तो आप गैलरी के भी इमेज को यहाँ पर आप इसके बैकग्राउंड में सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर करके दिखा ही देता हूँ, तो जैसा कि अगर मैं चाहूँ तो इस इमेज को यहाँ पर मैं लगा दिया है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने इसके अपने अपने फोटो को एडिट कर दिया है। अब मुझे यहाँ पर बारी है टेक्स्ट ऐड करने की, मैं यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड करता हूँ। जैसा कि मैं लिख देता हूँ Realme 7 और प्रो, और 7 प्रो को मैं यहाँ पर लग के, फिर उसके बाद आप चाहें तो इसमें कई सारे आपको फॉन्ट्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। तो इस एप्लीकेशन की ये सबसे बड़ी खासियत है, मुझे इसके फॉन्ट जो है वो काफ़ी मज़ेदार देखने को मिलते हैं। जब आप यूज़ करेंगे तो आप खुद ही इस एप्लीकेशन का मज़ा उठा पाएंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो फॉन्ट वगैरह को ऐड कर सकते हैं। फॉन्ट वगैरह को ऐड आप करने के बाद उसको कलर वगैरह भी आप सेट कर सकते हैं। आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे कि अब मुझे यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। अब मैं आपको अपने गैलरी दिखाता हूँ कि ये वाकई में जो फाइनल इमेज है वो कैसी आई है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों अपनी स्क्रीन पर कि कुछ इस तरीके से इसकी जो फाइनल आउटपुट है वो यहाँ पर निकल कर आ चुका है। तो यही है मेरे थंबनेल को एडिट करने का राज, यही है वो एप्लीकेशन जिससे मैं अपने थंबनेल को एडिट करता हूँ। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से मैं अपने थंबनेल को एडिट करता हूं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करना आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ट्यूटोरियल वीडियोस लाता रहता हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।